नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों। दिल्ली सर्विस बिल तो पास हो गया और अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर पानी भी फिर गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल का रिश्ता यहाँ से आगे बढ़ पाएगा या यहीं पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को का जो तात्कालिक मकसद था वो दिल्ली सर्विस बिल पर सभी विरोधी दलों का साथ लेकर भाजपा को परास्त करना था, लेकिन वह तो हो नहीं पाया। तो अब दिल्ली की ज़मीन पर क्या कांग्रेस और केजरीवाल का आगे साथ चल सकता है या नहीं चल सकता है? अगर साथ चल सकता है तो क्यों चलेगा, किन शर्तों पर चलेगा, और अगर साथ छूट जाएगा तो क्यों छूट जाएगा, किस कारण से इन दोनों दलों की बात नहीं बन पाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अंदर की बातें आज मैं बताऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति कांग्रेस के विरोध से शुरू हुई थी। वो एक लिस्ट लेकर घूमते थे जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो सरकार थी, उसके मंत्रियों की वो एक लिस्ट लेकर घूमा करते थे कि ये चोर हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये बेईमान हैं। बड़े ही आक्रामक तेवरों के साथ अरविंद केजरीवाल हमला करते थे। जो उस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, उनको भी वो बेईमान कहते थे और कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो उनको हम जेल में भेजेंगे। दिल्ली के सारे वार्डों पर जब चुनाव हुए थे तो उन्होंने ईमानदार वर्सेज बेईमान लिखवा दिया था। एक तरफ शीला दीक्षित की फ़ोटो बेईमान और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की फ़ोटो ईमानदार। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल की राजनीति शुरू हुई कांग्रेस के विरोध में। अब कांग्रेस के नेता भी अगर देखें तो खास करके जो दिल्ली के नेता हैं, दिल्ली प्रदेश के, वो तो फूटी आंखों नहीं देखना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। अभी दिल्ली सर्विस बिल के मामले में भी आपने देखा कि ये लोग उनका विरोध कर रहे थे और अपने केंद्र के नेताओं को कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करना ठीक नहीं है, आप इनका साथ ना दें। और ऐसा नहीं है कि जो केंद्र में बैठे हुए नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको अरविंद केजरीवाल को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक वक्त होता है राजनीति में जब कुछ न कुछ मजबूरियां होती हैं। कांग्रेस भी कहीं से मजबूर है क्योंकि वो बिल्कुल एक समय में सत्ता की धुरी रही पार्टी आज बिल्कुल हाशिए पर चली गई है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों में उसे 0 लोकसभा सीटें मिलती हैं और विधानसभा में 70 विधानसभा सीटों में 0 विधानसभा सीटें मिलती हैं। तो कांग्रेस के सामने ऐसे हालात हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने देखिए हालात ऐसे हैं कि भले पिछले विधानसभा चुनाव तक भी उनका जलवा बरकरार था, 70 में से 62 सीटें वो लेकर आए थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद लगातार जो है अरविंद केजरीवाल पर मुसीबतों का पहाड़ जो है टूटना शुरू हुआ। सबसे पहले तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ जिसके कारण जो है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनकी सरकार की बहुत बदनामी हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता उस दंगे को भड़काने के मामले में पाए गए। उसके बाद फिर जो है आपने देखा कि कोरोना के समय में बहुत दिल्ली की सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो खास करके बिहार और यूपी और दूसरे राज्यों से आए हुए जो लोग थे, मजदूर थे, उन्हें दिल्ली को छोड़कर जाना पड़ा और बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में जाना पड़ा। उसमें बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के प्रति काफ़ी नाराज़गी उन सारे लोगों में है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि लगातार जो है भ्रष्टाचार के आरोप जो है अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों पर लगते रहे। सत्येंद्र जैन जेल गए, फिर मनीष सिसोदिया, इनके सबसे बड़े जो अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी में थे, उनको जेल जाना पड़ा और वो भी शराब घोटाले जैसी चीज़ के मामले में जेल जाना पड़ा। तो पार्टी की छवि खराब हुई, नेताओं की छवि खराब हुई और धीरे धीरे होता है, तिलिस्म टूटता है। नई पार्टी होती है, नई सरकार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी भी उस तरह से नहीं होती है। अब अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली की राजनीति में पुराने हो गए तो उनका तिलिस्म भी धीरे धीरे टूट रहा है। फिर अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि दिल्ली की में जो बाढ़ आई, उस बाढ़ में भी दिल्ली के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी जो है लगभग 1 तक उठानी पड़ी। तो कई सारी घटनाएं हो गई जिनके कारण अरविंद केजरीवाल का भी वैसा वर्चस्व जो है दिल्ली की राजनीति पर, भले हम 2020 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट देखेंगे तो शायद लगेगा कि वो अत्यंत लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
लोग ये बताते हैं, जो ग्राउंड से फीडबैक है उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की भी जो साख है, जो छवि है, उसमें कुछ न कुछ कमज़ोरी आई है दिल्ली के अंदर। उसके बाद क्या है कि अरविंद केजरीवाल को मोदी से लड़ना होता है, चूँकि वो दिल्ली में मुख्यमंत्री ज़रूर बने हुए हैं लेकिन युवा है और महत्वाकांक्षी भी हैं, होना भी चाहिए। चलो, लोकतंत्र में सबको महत्वाकांक्षी होने का अधिकार है, तो अरविंद केजरीवाल महत्वाकांक्षी भी हैं। वो मोदी की जगह लेना चाहते हैं केंद्र में, दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मोदी की जगह लेना चाहते हैं। इसके कारण मोदी से टकराव का मौका वो अक्सर ढूंढते रहते हैं। मोदी की व्यवस्था में, जो कि वास्तव में मोदी की व्यवस्था नहीं है, वो तो केंद्र सरकार की व्यवस्था है और भारत में दिल्ली राज्य को लेकर वो व्यवस्था पहले से चली आ रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी दिल्ली में सरकार रही जब, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही, और इसी तरह के अधूरे अधिकारों के साथ भाजपा ने भी यहाँ पर राज किया और कांग्रेस ने भी राज किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल पूर्ण राज्य की तरह सारे अधिकार दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली में सरकार चलाते हुए उनको चाहिए। तो अब इस बात की लड़ाई वो जो है लगातार लड़ रहे थे एलजी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनकी लगातार टकराहट बनी रहती थी, मामला कोर्ट में गया, उनको लगा कि हम कोर्ट में जीत गए हैं लेकिन कोर्ट के आदेश में एक क्लॉज था, उसका उस पर उनका ध्यान गया नहीं कि केंद्र सरकार जो है कोई कानून बना सकती है, केंद्र सरकार ने वो कानून बना दिया, अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल पास करा लिया। अरविंद केजरीवाल ने सारे प्रयास किए लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन एक कामयाबी ज़रूर तात्कालिक दृष्टि से दिखाई दी कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी दोनों एक मंच पर साथ आ गए। तो अब दिल्ली में कांग्रेस के साथ वो राजनीति की रोटी कैसे बांटेंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल बहुत भरोसेमंद नेता भी नहीं माने जाते हैं, अपनी पार्टी के भीतर भी जो उनके बहुत सारे वफादार नेता थे एक एक करके निकल गए या निकाल दिए गए। कांग्रेस पार्टी के साथ भी अब उनका जो है इसके बाद, चूँकि रोटी बांटने का मामला है, क्योंकि गठबंधन तो ऐसे नहीं होता कि भाई ठीक है अरविंद केजरीवाल जी आप 7 सीटों पर लड़िए और 70 विधानसभा सीटों पर आप लड़िए और हम तो बस आपको विपक्षी एकता के नाम पर समर्थन करेंगे, तो ऐसा तो कांग्रेस करेगी नहीं, कोई भी पार्टी नहीं करती। तो गठबंधन का मतलब ही है कि एक रोटी है उसको बांटना पड़ेगा। तो अब क्या है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस रोटी को बांटना चाहेंगे, क्योंकि विधानसभा में तो अभी तक उनका एक छत्र राज है और जब तक उनको कोई करारी हार नहीं मिलती है तब तक उनके मन का ये विचार भी नहीं बदलेगा कि दिल्ली में मेरी जो सत्ता है, मेरा जो प्रभुत्व है, मेरी जो लोकप्रियता है वो बुलंदियों पर है और उसको कोई चैलेंज नहीं है। इस तरह के माहौल में कांग्रेस के साथ उनकी क्या डील होगी और कैसे डील होगी? तो मेरे पास जो अंदरूनी जानकारियां हैं, कांग्रेस के कुछ सूत्रों से भी मिली हुई जानकारी है और आम आदमी पार्टी के सूत्रों से भी मिली हुई जानकारी है, और आप जानते हैं कि मैं हवा में कोई बात नहीं करता, जब दोनों सूत्रों से हमने उसको क्रॉस चेक किया, क्रॉस वेरीफाई किया, और तब जाकर जब एक पॉइंट मुझे मिला जहां पर दोनों तरफ के सूत्रों से एक समान जानकारी आ रही थी, तब हमने कहा कि नहीं, इसमें दम लगता है। उस मामले को समझने के लिए आपको जो है लोकसभा चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव 2020 के आंकड़ों पर थोड़ी सी नज़र डालनी पड़ेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप तो किया ही, 7 की 7 लोकसभा सीटें तो उसने हासिल की ही, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि 56% वोट दिल्ली की जनता के 56% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और बाकी 44% में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य विपक्षी दल, नोटा वोटा सब निपट गए। उस 44% में भी क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी को आए 22% और आम आदमी पार्टी को आए 18%। तो आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार थी जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो वो कांग्रेस से पीछे रहे। अब ये यहाँ पर देखिएगा पेच है, 7 में से 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी रही और आम आदमी पार्टी केवल 2 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी रही लोकसभा चुनाव 2019। एक बात हो गई कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल मैं तुमसे ज़्यादा मजबूत हूँ,
देख लो 19 का इलेक्शन उठा के, तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारी प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी, इसके बावजूद लोकसभा चुनाव का रिजल्ट निकाल कर देखो, 7 में से 5 सीटों पर मैं तुमसे आगे था, केवल 2 सीटों पर तुम मुझसे आगे थे और मेरे वोट प्रतिशत तुमसे 4% ज़्यादा थे। अब आम आदमी पार्टी क्या कहती है? आम आदमी पार्टी दिखाती है 2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम। 2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम दिखाकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि भैया कांग्रेस ठीक है, तुम 2019 का इलेक्शन मुझे दिखा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें और भी लेटेस्ट जो है 2020 का विधानसभा चुनाव दिखा देता हूँ। वहाँ पर 70 विधानसभा सीटों में मेरी 62 सीटें रही, तुम्हारी 0, तुम्हें मिला लड्डू, तुम्हें मिला क्या 0, और मेरे वोट प्रतिशत कितने 53% वोट मुझे मिले, आम आदमी पार्टी कहती है, और तुम्हें कितने प्रतिशत वोट मिले, केवल 4% वोट मिले। तो अब पेच देखिए यहाँ पे फंस गया कि रोटी को बांटेंगे कैसे दिल्ली के अंदर। रोटी बांटनी तो है, अगर गठबंधन को यहाँ से आगे चलाना है तो रोटी बांटनी पड़ेगी। सबसे पहले आएगा लेकिन लोकसभा का चुनाव, तो सबसे पहले लोकसभा का चुनाव आएगा तो कह रही है कांग्रेस की भाई विधानसभा चुनाव तो 2025 में आएगा, उससे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव आएगा, तो लोकसभा की बात करो ना भाई। अब यहाँ पे देखिए मामला जो है फंसा हुआ है। कांग्रेस ये तो नहीं कह रही है कि ठीक है मैं 2019 में 5 सीटों पर आगे था तो तुम मुझे 5 सीटें दे दो, लेकिन कांग्रेस की ये अपेक्षा जरूर है कि चूंकि सेंटर की लड़ाई में मैं आगे हूँ, मैं लीडिंग पार्टी हूँ, पूरे अपोजिशन की पार्टियों का जो ध्रुवीकरण है हो रहा है उसका केंद्रक मैं हूँ, उसकी केंद्रीय पार्टी मैं हूँ, तो कांग्रेस पार्टी के मंसूबे कहीं से ये हैं कि 7 में से 4 सीटों पर आप मुझे लड़ने दीजिए और 3 सीटों पर आप लड़िए अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस कंडीशन को कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एम्बिशस हैं, वो लोकसभा में भी अपनी ताकत जो है लगातार बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इस कंडीशन को कभी नहीं मानेंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं मानेंगे। और अरविंद केजरीवाल अंत में डोमिनेट करेंगे ऐसा लगता है, अगर इस गठबंधन को चलना है तो अरविंद केजरीवाल डोमिनेट करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगभग अपनी शर्तों पर राजनीति करने के खेल में वो माहिर हैं। और जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनकी एक मजबूरी भी है, कांग्रेस की एक मजबूरी भी है, कांग्रेस की भी मजबूरी है। कांग्रेस इस बार ये चाह रही है कि जहां पर भी मुकाबला हो वो देश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर 1-to-1 फाइट चाह रही है कांग्रेस, चाहे उस 1-to-1 फाइट में हार मिले या जीत मिले, लेकिन मोदी के पक्ष के वोटर एक तरफ और मोदी के विपक्ष के वोटर सारे के सारे एक तरफ, कांग्रेस पार्टी इस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि दिल्ली में भी हम अरविंद केजरीवाल को साथ ले लें। भारतीय जनता पार्टी फिर भी जीतेगी, लेकिन उसको उम्मीद है कि शायद हम कम से कम 1 या 2 सीटों पर तो खेल कर ही देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है ऐसा लग रहा है, जो आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने मुझे बताया, अरविंद केजरीवाल यद्यपि भरोसेमंद नहीं है और बहुत ही अस्थिर मन के व्यक्ति नहीं है, वो चंचल हैं, वो बदलते रहते हैं, तो अभी जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो सोच बन रही है वही सोच जो है अरविंद केजरीवाल की लोकसभा चुनाव तक कंटिन्यू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी कहती है वो कहती है कि आप 2 सीटों पर लड़िए, कांग्रेस पार्टी आप 2 सीटों पर लड़िए, 5 सीटों पर लोकसभा सीटों पर हम लड़ेंगे। तो बात कैसे बनेगी? तो बात अगर इस गठबंधन को आगे बढ़ना है और बात अगर बनेगी तो फिर 3-4 पर बन पाएगी ऐसा लगता है। तो 3-4 कैसे बनेगी? 3 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी। तो इस कंडीशन पर लोकसभा का चुनाव तो हो जाएगा, लेकिन विधानसभा के चुनाव में फिर गठबंधन होगा कि नहीं होगा अगले साल, वो कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। अगर लोकसभा के चुनाव में जैसी कि कांग्रेस की सोच है कि हम कम से कम गठबंधन बनाकर 1 या 2 सीटें जीत सकते हैं दिल्ली के अंदर भी, अगर उसमें कामयाबी मिल गई तब तो शायद जो है विधानसभा के चुनाव तक
गठबंधन की बातचीत आगे बढ़े, अन्यथा लोकसभा चुनाव के साथ ही वो गठबंधन खत्म हो जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर अपेक्षित कामयाबी मिलती भी है, एक सीट या दो सीट अपोजिशन को मिल भी जाए दिल्ली से, उस स्थिति में भी चूंकि विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि उनका रास्ता बिल्कुल साफ है, दिल्ली में उनको कोई चुनौती नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ वो अपना गठबंधन बनाने से परहेज करेंगे, क्योंकि गठबंधन बनाने पर उनको सीटें देनी पड़ेगी। और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वहाँ तो उनका खुद ही रास्ता साफ है और वहाँ पर वो बम्पर सीटें ऐसे ही लाते रहते हैं बिना किसी पार्टी से गठबंधन किए हुए, तो कांग्रेस पार्टी को सीटें देने में उन्हें परेशानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो अनुकूल रहे तो फिर वो ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती थी उन सीटों पर जाके तुम लड़ लो, या किसी विशेष सीट पर उनको लगे कि हमारे कैंडिडेट ने बहुत ख़राब काम किया है, वो उधर जा रहे हैं और वहाँ के लोग उनको भगा दे रहे हैं, गलियों में भी घुसने नहीं दे रहे हैं, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कुछ सीटों पर, तो उस तरह की सीटों पर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी पेच ये है कि अरविंद केजरीवाल को केवल दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने हैं, वो अलग अलग राज्यों में जाकर विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं और उन तमाम राज्यों में वो कांग्रेस की ही खोई हुई ज़मीन को छीन कर वहाँ पर काबिज़ होते हैं। तो अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव के अंदर दिल्ली में गठबंधन बनाकर रखेंगे तो दूसरे राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी सीधी फाइट होती है विधानसभा चुनाव के अंदर, या जहाँ पर वो कांग्रेस की ज़मीन को थोड़ा थोड़ा छीन कर अपने लिए थोड़ी थोड़ी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, उन राज्यों में उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तो वोटर पूछेंगे कि भाई दिल्ली में तो तुम साथ हो, यहाँ पर तुम कांग्रेस की मुखालफत करने के लिए आ गए हो। तो विधानसभा चुनाव में तो देखिए दिल्ली के अंदर जो है इन सारी चीज़ों को लेकर लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से गठबंधन हो सकता है।